टॉलेस्ट हॉर्स और बिगेस्ट हस्की। ओए ये अभी देखो सुल्तान से भी एक बड़ा हस्की कह सकते हो आप, होली हॉर्स को हस्की कह रहे हैं। बहुत ही प्यारा जो है, मैं ऊपर से व्यू देख सकता हूँ। एक तो वैसे भी बहुत ज्यादा लंबा है विजयराज भाई। ओ अभी देख रहे हो, ओए 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 कबूतरों के पीछे सुल्तान हाल है मोहित के सिर पे बैठ गया जाके। Hey, yo, what's up, everybody? क्या हाल चाल? पीछे मेरे दोस्त जो है अभी आपस में झगड़ रहे हैं किसी बात को लेकर। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि ये व्लॉग एक रेंडम व्लॉग बन रहा है। क्या हुआ, सिदक ब्रो है जो छोटे भाई मेरे, जिनका लास्ट टाइम पोनी और जिनके पास विजय हॉर्स है जो बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा हॉर्स है, तो उनके पास हम जा रहे हैं उनके फार्म पे। आज वैसे ही रैंडमली हॉर्स राइडिंग का प्लान बना, तो साथ ही साथ हमने सोचा क्यों ना हम सुल्तान को भी साथ लेकर चले वहाँ पर, मतलब जंगल इंसान वहाँ पर जो है पास में बाग है और बहुत ज़्यादा खेत है, सुल्तान के लिए भी एक एडवेंचरस हो जाएगा और साथ साथ और एनिमल्स से भी सुल्तान मिलेगा तो वो भी खुश रहेगा। और हम तो आज मौज मस्ती के लिए निकले हैं, तो सोचा सारा व्लॉग कवर कर ले। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेक श्योर। और आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि ए यो व्हाट्सअप गाइस, बहुत आपको पसंद है। तो यार ठीक है, ये एक इंट्रो है, मजे लो चिल रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ सुल्तान कहाँ सोया पड़ा है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक म्यूजिक स्टूडियो है और यहाँ पे वो सामने वो सोया पड़ा है। अभी उसको लेकर चलते हैं, मस्त यहाँ पर माहौल बनता है। तो आप में से बहुत लोग जानना चाहेंगे कि स्टूडियो के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसमें हमने म्यूजिक स्टूडियो का यूज़ किया है। तो अब कुछ ही टाइम के बाद जो है म्यूजिक वीडियोज़ भी आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो मेक श्योर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता लग जाएंगी कि क्या क्या मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। और अभी सुल्तान को यहाँ से लेकर चलते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और मस्त आज मौज काटेंगे। अभी देखो सुल्तान ना ऐसे जब इसको घुमाने लेके जाना हो ना, तो ये देखो ये ऐसे इसका पैर रख उठा के, ये लो। हाँ जी चले बेटू, हाँ पूरा का पूरा भाई। ओए चलो बेटू, क्या फोटो खींच देख। सो गाइस आजकल जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा दिन हेक्टिक रहता है और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के कारण मैं अपने बालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहा था। तो मैंने फाइनली जो है मैंने सोचा इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैंने दो तीन जो है ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू करे अपने बालों के लिए, बट उनका मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला। तो एंड फाइनली फिर जो है मैंने ऑर्डर किया ये उस्तरा का हेयर ग्रूमिंग किट। इसके जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट लगे तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ इसको शेयर किया जाए। एंड उस तरह के जो है आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग प्रोडक्ट वैसे भी यूज़ करता हूँ, बट आज जो है स्पेशली हम बात करेंगे इस हेयर ग्रोथ किट के बारे में। इसके अंदर जो है बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स हैं। सो पहला प्रोडक्ट है उस्तरा हेयर ग्रोथ क्रीम। ये जो है आपको हेयर फॉल से बचाता है, DHT को टारगेट करता है, मेन कॉज है मेन के अंदर बाल्डनेस का, और साथ ही ये जो है आपकी हेयर रूट्स को मजबूती देता है। मैं जो है इसको रात को सिर पर लगाता हूँ और सो जाता हूँ। तो अभी आपको जो है मैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। और दूसरा प्रोडक्ट है उस्तरा एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इसके अंदर मेनली जो है दो कॉम्पोनेंट है, फर्स्ट इज जिनसिंग जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करता है, एंड सेकेंड इज एप्पल साइडर विनेगर जो कि आपके बालों को हेल्दी रखता है और उनकी शाइन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एंड इससे आई हैव नोटिस कि जो है डैंड्रफ बहुत हद तक कम हो जाता है और मैं जो है पूरी रात क्रीम का नरिशमेंट लेने के बाद सुबह जो है इससे अपने हेयर्स को जो है वॉश कर लेता हूँ। सो गाइस इस किट का जो है लास्ट प्रोडक्ट है ये हेयर ग्रोथ विटिलाइजर। ये जो है एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है इस किट का, ये आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, साथ ही साथ उनको सफ़ेद यानी वाइट होने से बचाता है। बिकॉज इसके अंदर जो है 33 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है लाइक ओमेगा 3, रेडेंशियल विटामिन एंड अमीनो एसिड। इसके अंदर जो है रेडेंशियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो है आपके हेयर की ग्रोथ को जो है बूस्ट करता है। आप जो है इसको हेयर वॉश के बाद अपने बालों में लगा लो एक सीरम की तरह, ये आपके बालों को मजबूत तो करेगा ही और साथ में जो है उनको शाइन भी देगा। इसे जो है आप डेली यूज़ कर सकते हो और आपको इसको जो है डेली यूज़ करना भी चाहिए बिकॉज ये जो है अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लगा मुझे, ये जो है सल्फेट फ्री है, केमिकल फ्री है एंड पैराबीन फ्री है। अगर आपको जो है इस प्रोडक्ट को बाय करना है आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उस्तरा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड पुलकी20 भी यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मेक श्योर टू चेक देम आउट। चले सुल्तान, हाँ चले। चलो जी बस अभी लिफ्ट आ रही है, चलो चले सुल्तान, चलो चलो। अच्छा एक्साइटेड हो जाता है, इसको पता है ना कि अब घूमने तीनों निकले हैं तो इसको पक्का है कि गाड़ी की तरफ ही जाना है हमने। हाँ स्वामी देखना, ये उसको पता लग गया कि गाड़ी की तरफ, देखो उसको संकेत को भी खींच लिया इसने। हाँ चले, इसको पता है ना कि भाई घूमने का टाइम है आज हमारा। चले चलो चलो, खोलो भाई खोलो, ऐसे मत करो सुल्तान के लिए। वो देखो उसको अपनी जगह का पता है कि यहाँ पर बैठना है, तो बस अभी निकलते हैं गाड़ी में बैठ गए हैं। हाँ जी सुल्तान,
तो अब सीधा लोकेशन पे जाके आप सभी को मिलते हैं। सो अभी सुल्तान को बाहर निकालते हैं। क्या हाल है मेरे उदय भाई, कैसे हो? क्या हाल है सिद्दक भाई? गुड। यो गुड, व्हाट्स अप? यो गुड। ओ हो भाई, सींग ना मार दे इसको, कभी भाग के सींग ही मार दे। आ जा आ जा, सुल्तान भी मेरे ख्याल से पहली बार किसी ऐसे मतलब एनिमल्स वगैरह, इसके लिए तो सारे क्रिएचर्स नहीं है। ओए सुल्तान, क्या है? ओ सुल्तान, चले आ जाओ। सो यहाँ पे अभी मेरे को दिखा रहे हैं नूरे का एक नया बेबी हुआ है। यार फीमेल बहुत ज़्यादा सुंदर है, हॉर्स ना जो मदर है बहुत ही ज़्यादा हाइट है। कितनी, मेरे ख्याल से नूरे से बड़ी है क्या हाइट में? थोड़ी कट है नूरे तो ही। और ये न्यू बेबी है यार, एक कितने टाइम के खोल अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं, थोड़ी फीमेल एग्रेसिव है। अच्छा, वो बेबी करके वैसे सौ है, राइडिंग करवाती है, पर वो बेबी करके नहीं होती। आए आ दो दिन बेबी। क्या बात है यार, बहुत सुंदर है। अभी आगे ये फॉर्म तो आप पहले भी देख चुके हैं, ओए सारा का सारा। हाँ जी, तो ये देख रहे हो अब, ये है इंडियाज टॉलेस्ट हॉर्स हमारा विजय राज। हेलो, ये जीभ निकाल के रखता है। और ये सुल्तान, सुल्तान ये इंडियाज बिगेस्ट हस्की भी इसको कह सकते हैं आप। तो ये दो एक खतरनाक हो गया, टॉलेस्ट हॉर्स और बिगेस्ट हस्की। ओए इसको बर्ड्स के, ये बर्ड्स के पीछे लगा हुआ है। ओए तुझे बर्ड्स चाहिए क्या? वो देख नहीं, छोड़िए छोड़िए, नहीं नहीं पकड़ने का नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ यहीं से देख लो सुल्तान, या आप यहीं से देख सकते हो सुल्तान सुल्ती। ये देखो, ओ हो, बर्ड्स को देख के खुश हो रहा है सुल्तान। अरे बंदर ही उड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहरी आ जाओ। सो अभी प्लान कुछ इस तरीके से कि अभी जो है, लास्ट टाइम जब मैंने राइड किया था तो मैंने यहीं पे अंदर ग्राउंड में किया था, बट आज ड्यू टू बारिश है बाहर सड़क पे जा रहे हैं। तो तुम बता रहे थे कि सड़क पे अच्छे से राइड करने देता है विजय राइड, है ना? रिंग गोल है ना, तो थोड़ा जा हो जाता है। क्या तो यार, पोनी कहाँ है तुम्हारे? अच्छा, एक में एक यहाँ पे है, मेल यहाँ पे है, फीमेल और जो बेबी है वो घर पे। अभी जो है ये देखो, पोनी हॉर्स को बाहर निकाला है और सुल्तान और पोनी हॉर्स। सुल्ती कौन है? तेरे से भी बड़ा उसकी है के? सुल्तान से बड़ा उसकी लग रहा है। तो ये अभी देखो, सुल्तान से भी एक बड़ा हस्की कह सकते हो आप, पोनी हॉर्स को हस्की कह रहे हैं। तो ये देखा अभी हमने सुल्तान को खुला छोड़ दिया। ओए सुल्तान, ओए 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 ओए, हाँ हाँ जी भाई, सुल्तान भी अलग ही लेवल का फन है। ओए सुल्तान, हाँ हाँ, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। ये अभी आपको मैं इंडियन पोनी दिखाता हूँ। तो ये जो है बेसिकली देख सकते हो, ये इंडियन पोनी है। तो ये भी बस इतने, ये पुलिस फुल साइज है इसका, है ओके ओके ओके। तो ये अभी आपने बाहर वाले वो इंपोर्टेड पोनी देखी, ये जो है इंडियन पोनी है, साइज इनसे बड़ा होता है। और वो देखो वो, ओए क्या कह रहा है तेरे को वो सुल्तान, क्या कह रहा है तेरे को वो, कुछ कह रहा है तुझे वो? अभी मैं नूरा से मिलने आया हूँ। हेलो नूरा। सो बहुत लोग नूरा के बारे में पूछते हैं, तो ये रहा किंग नूरा, जो बेसिकली नुकरा किंग भी इसको आप कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा है ये, थोड़ा सा एग्रेसिव ज़रूर है, इसे दूर रहना चाहिए। अगर आपने इसकी स्पेशल एक ब्लॉग बनाया था वो नहीं देखा, तो अभी आई बटन में आ रहा है, मेक श्योर उसको देख ले। और भाइयों को दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, दोनों की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। सो भी देखो सुल्तान बाहर है, और अभी हम राइड के लिए चले, और ये सारे के सारे बच्चे सुल्तान को देखने के लिए खड़े हो गए। और अभी मैंने गोप्रो से ब्लॉग करना शुरू किया है। हाय सुल्ती, वो बैठ ही गया यहाँ पे। और ये भी एक बहुत ही मेहनत का काम है, ऊपर तक चढ़ना। सो फाइनली इंडिया के सबसे बड़े हॉर्स पे मैं कह सकता हूँ मैं ऑफिशियली बैठ चुका हूँ। ये पहले भी बैठा हूँ यार मैं, ऐसा नहीं है, बट आपको इतना ऊपर से व्यू मैं पहली बार दिखा रहा हूँ। और ऊपर से देख रहे हो कैसे सिद्दक भाई मेरे से छोटे लग रहे हैं, उदय भाई मेरे से छोटे लग रहे हैं क्योंकि मुझसे लंबे आए हैं दोनों। और वो देखो सुल्तान, चलें भाई। बाय सुल्ती, बाय स्टैन, बाय बाय एवरी अदर हॉर्स हेयर। वाह, सो ये राइड का जो मज़ा है ना आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसी जगह पहले तो ये बिल्कुल ही लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कोई एक ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे इतने पेड़ होंगे, जबकि चंडीगढ़ में बहुत पेड़ हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा हॉर्स ऐसे राइड कर, सुल्तान को भी खड़ा कर लो ना। ओ सुल्तान भाग गया।
तो आप देख सकते हो सुल्तान वहाँ पे पीछे के पीछे, वो देखो उधर वो संकेत उसके पीछे भाग रहा है, या पता नहीं ये दोनों भाग गए स्पेशल वो पीछे चले गए हो देखो। सो अभी जो है फिर से निकल पड़े और संकेत भाई और हमारे और हमारा सुल्तान जो है पीछे आगे खेतों की तरफ जा चुके हैं, इधर साइड राइड में जो खेत है उनकी तरफ जा चुके हैं। और ये देखो तरीका क्या है कि एक तरीके से मुझे इस साइड से ऐसे पकड़ना है और एक साइड से ऐसे पकड़ना है, उसको जब ढीला दूंगा और हल्का सा पीछे से थोड़ा सा इसको कहूँगा एक कमांड दूंगा तो ये आगे चलेगा। बहुत ही प्यारा जो है, मैं ऊपर से व्यू देख सकता हूँ, एक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा है विजयराज, और ऊपर से जो इसको राइड करने का मज़ा है ना गाइस, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ और आप सिर्फ देख ही सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई से कि आप एनिमल्स के साथ प्यार रखिए, क्योंकि इनका और हमारा जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा प्योर है। स्टॉप, चलिए चलो, क्या बात है, देखा कितने प्यार से गियर शिफ्ट हो गया और इसने मुड़ मुड़ गया है। वाओ, और आगे से सिद्धक और उदय चल कर आ रहे हैं। ओए 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 रुक नहीं, ओए सुल्तान भाई, ये भी अच्छा हो गया था, नीचे उतर गया था। हाँ सुल्तान, क्या है बेटा, मैं कहाँ पे चढ़ गया, तू भी चलेगा क्या राइड पे? नीचे उतरना भी एक बहुत बड़ा टास्क है इसकी हाइट के हिसाब से। हो फाइनली देख रहे हो कितना ह्यूज और कितना ही ऊंचा है। और ये सुल्तान सारा गिल्ला हो गया, तू सारे खेतों में जा जाके ना अलग देखो सारे पंजे इसने गिल्ले कर लिए और ये खुश है बिल्कुल। ओए बेचा, सो अभी संकेत भाई की बारी है, चलो भाई फाइनली तुम्हारी बारी है। चलो पहले मेरे को बताओ कि आगे चलाने के लिए क्या करना होता है, आगे आप पे चल लूंगा, एक बार आप ऊपर चले जाओ फिर आपको गाइडेंस देंगे। भाई ओ सुल्तान को पीछे रखो, सुल्तान को पीछे रखो। A few moments later. So, अभी मैं इनके वापस फिर से यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक ब्लॉग बनाया, वो भी आई बटन में डाल दूंगा। ये देखो यहाँ पे भी एक रैबिट घूम रहा है, आए रैबिट। तो इन्होंने घर के पीछे ही सारी ये चीज़ बनाई हुई है, प्लांट्स का बनाया हुआ है। और ये देखो और भी जितने भी बर्ड्स हैं इन सबका, और देखो गिनवा पिक्स तो बड़े ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन ये सारे के सारे। ओए सुल्तान सुल्तान पीछे लग गया इनके। यहाँ पे भी जो पूरा सेटअप इन्होंने बनाया, अभी बाहर भी है और भी इनके जितने भी डॉग्स हैं, मैं अभी सारे उससे हम सुल्तान को मिलवाते हैं, तो ऐसे हम रैंडमली मिल। तो संकेत भाई कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे आगे, ये कितना अच्छा है, ऐसा सेटअप बनाना है ना भाई? सेटअप बनाना क्या, ये तो मतलब कि इनके लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है, हर कोई ऐसे नहीं रह सकता। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इतनी जगह फिर इतना सब, अभी देख रहे हो कबूतरों के पीछे सुल्तान कबूतर पकड़ने से भाई। अच्छा तो ये देख रहे हो ऐसे खुले यहाँ पे सारे बर्ड्स को खुला छोड़ते हैं, और ये सारे के आस के आसपास में सारे इनके बाग हैं। और ये देखो इसको हम लास्ट टाइम भी मिले थे, ये हमारा ब्लैक कलर का लैब्राडोर जो इनका, ओए क्या नाम था इसका, मैं नाम भूल गया, थॉमस। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो दोनों पोनी वहाँ पर पहले सेटअप पे हुआ करते थे उनको इन्होंने घर के अंदर ही शिफ्ट कर दिया, पीछे इनका घर है और यहाँ पे जो सारा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। ओए ओरियो ओरियो बेटी, हाँ ओए ओरियो ओरियो, ओए ओए थोड़ा ही बढ़िया ओरियो। देख रहे हो अगर आप देखो वो पोनी हॉर्स है और ये है सुल्तान है, और सुल्तान ऐसे लंबाई में उससे ज्यादा है ना पोनी हॉर्स से भी है देखो। सो ये देख रहे हो घर के अंदर ही बैक साइड पे, अगर आपके अनार उग रहे हो तो भाई और क्या चाहिए, घर से बैक से निकले आप वहाँ पे आगे जाके यहाँ पर आपको एक लीची का वो मिल रहा है, ठीक है घर पे ही लीची लगी हुई है। और अभी मैं एक लीची खाता हूँ तोड़ के यहीं से फ्रेश, ऐसे तो कभी होने ही नहीं वाला यार। बहुत ही बेहतरीन यार, टेस्ट कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया, आज हम बाजार से खरीदने की सोच रहे थे, शुक्र है खरीदिया। अभी यही चीकू भी आ रहे हैं, अच्छा देखो वहाँ पे रैबिट घूम रहे हो देखो, बिल्कुल आराम से नेचुरली रैबिट खा पी रहे हैं। अगर ऐसा आपका एक फार्म, मतलब फार्म भी नहीं है तो घर है, फार्म तो अलग है अभी भाइयों का सर, बहुत सही। तो ये देख रहे हो यहाँ पर जो है अभी हैंस के बीच में, वो देखो एक टर्की भी है सामने। सुल्तान कितने सारे एनिमल से मिलके कैसे लग रहा है भाई? ये सामने चीकू है, ओए चीकू चीकू
चीकू लास्ट टाइम मिला था, लीकू ने बहुत मस्ती की थी, और इस बार सुल्तान और चीकू इकट्ठे ही। ओए ओए ओए, अरे 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 अरे, चीकू वैसे तो दादा बनता है पर आज चीकू की फूक निकली हुई है। यहाँ पे जो है तिब्बतन मस्टिफ है, जब उसके लिए सेटअप बनाया हुआ पूरा, एक स्ट्रीट डॉग है। अच्छा संकेत, ये तिब्बतन मस्टिफ है, क्यों इसका बेस्ट फ्रेंड है स्ट्रीट डॉग, ये दोनों कट्ठे एक साथ रहते हैं। हाँ, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। 12 seconds later. हाँ जी, तो ये जो लास्ट टाइम हम इससे मिले भी थे, कोको। कोको भाई बस थे कोको। इसको ऐसे क्यों रखा हुआ है, मतलब अलग आजो आजो, ये ट्रेंड है ना। अच्छा ये ट्रेंड है कुछ। हाँ आजो आजो आजो, कोको कोको मेरा बेटा। ये कितने साल गए, ज्यादा लॉकडाउन है बस। आए काका, क्या हाल है, देखा कितना प्यारा है। मैं तो ये करता ना, एक बढ़िया बढ़िया बंदे से मिलवाऊंगा अभी एक मेन। हाँ जी क्या हाल है। मोहित के सिर पे बैठ गया जाके ये बनता। आए आ जाओ आ जाओ। तो ये देखो सनफ्लावर सीड्स का तो बड़ा शौकीन है, लास्ट टाइम ही मैंने इसको खिलाते हुए दिखाया था तुम्हें। लव बर्ड है ये ना। आए कक, तो आप देख सकते हो एज अ पेट भी बर्ड कितने प्यार से रह रही है इनके घर पे, और फ्रीली घर पे ऐसे इसको खिलाते हैं, ये थोड़ी सी ट्रेंड है। तो फाइनली चले सुल्तान। सो आज सुल्तान का डे आउट बहुत बढ़िया रहा और हमारा भी डे आउट बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच सिदक भाई, थैंक यू सो मच उदय भाई, मिलते रहेंगे फिर हैं आते टाइम में ब्लॉग में।